घर इनका अपने सौरा बड़ा कुछ छोड़ के मरा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। शफक यू छुप छुप के क्या देख रही हो? आओ ना। आया पुत्र आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी ओवर एक्ट, मेरा मतलब इतना शर्माने की क्या जरूरत है? हम घर वाले ही तो हैं, आओ बैठो आराम से। शफक बेटा जाओ जाके चाय का बंदोबस्त करो। जी। अच्छा खाला आप तो जानती होंगी हम शादी की तारीख लेने आए हैं। हाँ बेटा अब ये फैसला तो तुम्हें करना है, तुम दूल्हा की इकलौती बहन हो। जी खाला वैसे मेरे ख्याल से तो ज्यादा जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है, साल की आखिर तक रख लेते हैं तारीख। जूही क्या हो गया? ओ मत बज गई है तेरी है? साल ना ना पुत्र ना, साल नहीं, इतना इंतजार अच्छा नहीं होता। क्यों जी? अब्बा हम तो लड़के वाले हैं, लड़की वालों को तो 100 तैयारियां करनी होती हैं। अब खाला शफक को बगैर जहेज के तो रुखसत नहीं करेंगी। ये तो खैर सही कह रही है जूही, है ना जोही? मेरी बेटी कोई भूखे नंगे खानदान की नहीं है जो मुझे जहेज के लिए तिनका तिनका जोड़ना पड़े। उसके बाप ने बहुत जायदाद छोड़ी है उसके लिए, कल बारात लेकर आ जाओ ना तो ट्रक भर के जहेज का दूंगी। हाँ ये तो सही कह रही है, तो ट्रक तो भर के देने पड़ते हैं, अभी हमने दिया है ना ट्रक भर भर के, क्यों बेटा? जी जी बिल्कुल। और वैसे भी आख सच की बात तो ये है कि भाई बेटियों के नसीब में जो कुछ होता है वो बाप के घर से ले जाती है ना जी? क्यों जी? जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। सही। अच्छा खाला लड़की की सास को तो आप कुछ भी गिफ्ट दे दें, अपनी बहन ही है, लेकिन लड़के की इकलौती बहन मतलब मैं, उसके लिए तो सोने के कंगन होना लाजमी है और अच्छे खासे भारी हो, महंगे वाले। हाय इसकी ना बचपन से यही ख्वाहिश थी, हमेशा कहती थी मैं तो भाई की शादी पे सोने के कंगन लूंगी। ले दस। अरे शफक आओ ना हम सब में आके बैठो। आओ ना। मुझे तो लगता है बड़ा तकल्लुफ कर लिया है। दही पल्ले मंगाए? हाँ मुझे पता। और इस इलाके के दही पल्ले की क्या बात है? सही बात।